उज्जैन में एक महिला ने संघ पदाधिकारी के घर के बाहर लगे बिजली मीटर में आग लगा दी। महिला की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला बेगमपुर का है, जहां पर संघ पदाधिकारी दीपक राठौर के घर के बाहर बिजली मीटर में घर के सामने रहने वाली महिला जमीला बी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई है। बताया जा रहा है कि महिला के घर बिजली बिल ज़्यादा आता था, इसी वजह से वो नाराज़ हो गई और बिजली के मीटर को आग के हवाले कर दिया। इसे लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में हिंदू परिवार के मकान कम हैं, इसी कारण महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहाँ पर ये महिला जो कि जम्मू भाई इसका नाम है, ये वहाँ डोमिनेट करती है, दबाव बनाती है क्षेत्रीय निवासियों को, क्योंकि हिंदू परिवार कुछ ही बचे हैं वहाँ पर। और इस प्रकार से ये जानबूझ करके, ये स्वयंसेवक परिवार है, लड़का जो है दीपक राठौर नाम का बालक जो है ये स्वयंसेवक है, और इसके चूँकि स्वयंसेवक है तो संघ के पदाधिकारियों का, प्रचारकों का आना जाना घर में लगा रहता है, उस चीज़ को लेकर इसकी कोई आपत्ति है। और ये द्वेषवश भावना को ठेस पहुँचाने के लिए और दहशत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। रात्रि के समय चुपचाप इसने पेट्रोल द्वारा जो है मीटर को जलाने का प्रयास किया, एक भय व्याप्त करने का प्रयास किया गया, चूँकि वहाँ कैमरा लगा था, कैमरे में फुटेज आ गई तो असली सामने आई। आरोपी से भी पूछताछ की गई है और फरियादी से भी पूछताछ की गई है। आरोपी का ये बोलना है कि विगत 2 दिन पहले उसको 10,000 रुपये का बिल बिजली विभाग द्वारा थमाया गया था, उससे नाराज होकर उसने खुद के मीटर में भी 2 दिन पहले आग लगा दी थी। और इसके अलावा उसके मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसको बोला कि तुमने अपने मीटर में आग लगाई है, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उसका बोलना था कि मैंने अपने पड़ोसी के मीटर में इसलिए आग लगाई जिससे कि लोगों को लगे कि मीटर अपने आप जल रहे हैं। इस टाइप के कथन आरोपी महिला के द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के कथन सुनने के बाद महाकाल थाना पर FIR दर्ज की गई है। सर, इसका CCTV भी सामने आया है, अब पेट्रोल डालते हुए महिला नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं महिला बचने की कोशिश कर रही है इसका? महिला जो हमने CCTV अवलोकन किया है उसमें महिला के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया जाना परिलक्षित हो रहा है, उसके आधार पर ही थाना महाकाल में FIR दर्ज की गई है।